वक्कार खान, समाजसेवी, नकासा बाजार, सहारनपुर। स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि भाईचारा बनाए रखें, शासन प्रशासन की सहयोग करें। आपका शुभ नाम? मोहम्मद काशिफ। 15 अगस्त पे के में कुछ पैगाम देंगे आप? सबसे पहले तो देशवासियों को इस स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये स्वतंत्र दिवस जो है हमारे लिए बहुत बड़े जश्न का दिन है और हमारे लिए बहुत प्राउड फील करने का दिन है, और इसी में हमारी अपने रब से ये दुआ है कि ऊपर वाला हमारी जो है मुल्क को खूब तरक्की दे और खूब शांति बनाओ रखे, और लोग एक दूसरे की कदरदानी करें, एक दूसरे की जो है जज्बात का ख्याल रखें, और एक दूसरे को खूब हर्षोल्लास के साथ अपने खुशी में शामिल करें, और ये बहुत खुशी का दिन है। इस खुशी के दिन में सब छोटे बड़े बच्चे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा की शुरुआत की, उसमें हम उनका पूरा समर्थन करते हैं, और इस तिरंगे को अपने खून के जोश के साथ जो है लहराने का काम करेंगे, और ये हमारे लिए बहुत ही बहुत जश्न का दिन है, इसलिए हर आदमी इसको बहुत बढ़िया जश्न के साथ मनाए और एक दूसरे के जज्बात का बहुत ख़ास ख्याल रखें। उन लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद जो हमारे खिदमत करते हैं और हमारी सेवा करते हैं, कोई पुलिस में है, कोई फौज में है, और हमारे देश की हिफाजत करते हैं। हमें उनको अपने बच्चों को उनको दिखाने के बाद अपने बच्चों को प्रेरणा देनी चाहिए कि इस देश के लिए जज्बा दिखाना चाहिए, ताकि हम उनका सहयोग करें, उनके कानूनों का उल्लंघन ना करें और उनकी बताई हुई गाइडलाइन को हमेशा कायम रखें, तो ये हमारे लिए बहुत जब भी हम एक अच्छे भारतीय बनेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। सुधीर जैन। आप 15 अगस्त के शुभ अवसर कुछ कहोगे? हाँ, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस पर एक मैं पोएम भी कहना चाहूँगा। घर घर में फहरा दो तिरंगा, भारत माँ की चांद में अंबर भर के प्यार दिलों में, खुशियाँ खुशियाँ है अंबर में, स्वर्ग यहाँ माँ के चरणों में, हर दिन एक त्यौहार है, स्वतंत्रता दिवस हमारा आए हर बार है। देशवासियों के लिए कुछ? समस्त देशवासियों को ये कहना चाहूँगा मैं कि सब परस्पर प्यार मोहब्बत से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी, सब एक ही मंच पे, हम इस भारत माता की संतान हैं और हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारा धर्म हमें हमेशा जीवन में अच्छाई करने के लिए प्रेरित करता है और हमें आदमी से इंसान बनाता है, इसलिए हमेशा अपने धर्म का पालन करते हुए और अपने देश से हमेशा वफादार रहो, और देशवासियों के प्रति शुभकामनाएं, और देश की उन्नति के लिए भरसक प्रयास करो। जय हिंद, जय भारत।